हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि चल रहा है एक्सरसाइज 8। ए चैप्टर का नाम है सर्कल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर ये फिगर देख सकते हैं। अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच दैट इट टचेस द साइड्स बी सी ए बी ए डी एंड ए सी। ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर सर्कल है, वो सर्कल इन चारों साइड्स को टच कर रहा है एट अ पॉइंट पी क्यू आर एस। किस पॉइंट पे टच कर रहा है? तो पी क्यू आर एस पे रिस्पेक्टिवली। इफ ए बी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 23, बी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एंड डी एस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे ये जो सर्कल ड्रॉ किया हुआ, इस सर्कल का रेडियस निकालना है, यानी कि ये आर क्या है? रेडियस। तो रेडियस निकालना है। गिवन में क्या दिया हो? ए बी 29, तो ए टू बी ये नीचे वाला साइड क्या दिया हो? 29 सेंटीमीटर। और क्या ए डी? ए डी ये वाला साइड कितना दिया है? 23 सेंटीमीटर। और एंगल बी 90 डिग्री यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे क्या है? डी एस 5 सेंटीमीटर। डी एस ये इतना दूर तक क्या है? 5 सेंटीमीटर। और अब रेडियस निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यही वाला पॉइंट यूज करेंगे कि जो टेंजेंट सेगमेंट होता है, यानी जो टेंजेंट होता है सर्कल पे और किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, वो क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ पे अब क्या हो गया, ये पॉइंट डी को देखेंगे, डी पॉइंट को फोकस करेंगे। यहां से दो टेंजेंट ड्रो हो रहा है, डी एस और डी आर। ये डी एस और डी आर तो दोनों सेम पॉइंट से हो रहा है, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। और यहाँ पे साथ ही साथ डी एस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ये क्या होगी? दोनों इक्वल है, दोनों क्या है? 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पॉइंट ए को फोकस करेंगे, तो पॉइंट ए से ए आर और ए क्यू दोनों सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। इसके बाद हम आएंगे साइड ए डी में। ये जो साइड ए डी है, ए डी ये गिवन में दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं 23 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो ए डी साइड है ये बना कैसे देखते हैं, ए टू डी। तो ये कैसे बना? ए आर प्लस आर डी से। तो यहाँ पे हम इसे तोड़ेंगे, ए आर प्लस आर डी इज इक्वल टू 23 सेंटीमीटर। और यहां से हम ए आर का वैल्यू निकालेंगे, ए आर का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे ए आर का वैल्यू निकालने के लिए हमें आर डी का वैल्यू पुट करना होगा। तो ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो ए आर इज इक्वल टू क्या होगा? 23 माइनस आर डी, और आर डी का हमने वैल्यू पुट किया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं डी एस इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 23 में 5 घटाएंगे तो 18 आएगा, यानी ए आर का वैल्यू 18 सेंटीमीटर आ गया। ए आर कहाँ पे? ए टू आर ये वाला हमने निकाल लिया, कितना? 18 सेंटीमीटर। और ये अगर 18 सेंटीमीटर है तो क्या हो गया? ए क्यू भी 18 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ये वाला शायद 18 सेंटीमीटर। अब ये 18 सेंटीमीटर है तो 29 में माइनस करेंगे 18, तो नीचे क्यू भी निकल जाएगा। तो निकालते हैं यहाँ पे, ये भी क्या है? 29 सेंटीमीटर। यहाँ पे ए बी बना कैसे? तो ए टू क्यू प्लस क्यू टू बी से, तो ए बी ए क्यू प्लस क्यू बी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। उसके बाद यहां से हमें निकालना क्या है? क्यू बी निकालना है, क्यू बी। तो क्यू बी इज इक्वल टू क्या होगा? 29 माइनस AQ, और क्यू बी इज इक्वल टू 29। AQ का वैल्यू अभी हमने निकाला था 18 सेंटीमीटर। क्या निकाला था हमने? 18 सेंटीमीटर। तो 18 पुट करेंगे तो क्यू बी कितना आएगा? 11 सेंटीमीटर। क्यू टू बी ये कितना आ गया हमारा? 11 सेंटीमीटर। अब ये आ गया क्यू बी 11 सेंटीमीटर। यहाँ पे अब क्या कॉन्सेप्ट लगेगा ये देखिए, हम यहाँ पे इस डायग्राम में बात करेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है? 90 डिग्री। एक थ्योरम और आपने पढ़ा होगा कि ये जो टेंजेंट होता है, ये क्या है? टेंजेंट। सी बी क्या है? टेंजेंट। और ये क्या है? ओपी। ओपी क्या है? रेडियस। तो ये क्या होता है? दोनों जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट करते हैं वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं, यानी यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहाँ भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। अब जब किसी भी, ये क्या दिख रहा है जिसका चार साइड है यानी क्वाड्रिलेटरल, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों साइड क्या होता है? 90 डिग्री होता है। चारों साइड 90 डिग्री होता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं? रेक्टेंगल कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं,
और साथ ही साथ दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में आपको ये मिलेगा, ये क्या है क्यूबी और ये क्या है पीबी, ये दोनों क्या है एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। जब ये दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि चारों का चारों साइड, चारों का चारों एंगल 90 डिग्री और ये दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब ये 100% करना चाह रहा है। ये जो पी बी क्यू ओ पी बी ओ क्यू, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये 100% स्क्वायर है। तो यहां पे हमने लिखा कि सिंस ऑल द एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ पी आर राइट एंगल, आर क्या है राइट एंगल यानी 90 डिग्री बना रहा है, एंड ओपी इज इक्वल टू बी क्यू, ओपी और बी क्यू, ओपी ये वाला और बी क्यू ये क्या होगा आपस में इक्वल होगा। वो कैसे इक्वल होगा क्योंकि ये वाला साइड इसके बराबर है, उसी तरह ओपी, अच्छा अगर ओपी बी क्यू, ओपी बी क्यू, ओपी बी क्यू ने यहां पे ये वाला साइड इस साइड के अगर बराबर होता है और चारों एंगल क्या 90 डिग्री बनाता है, ये क्या होगा ये जो क्वाड्रिलेटरल है बी क्यू ओ पी ये 100% क्या होगा स्क्वायर होगा। और ये जब स्क्वायर होगा तब यहां से हम लिखेंगे कि बी क्यू इज इक्वल टू ओ पी, तो बी क्यू इज इक्वल टू ओ पी, हाँ तब हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो बी क्यू है ये बी क्यू ये किसके बराबर होगा ओपी के बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा। क्यों होगा क्योंकि एक स्क्वायर का हर एक साइड इक्वल होता है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे क्यू बी इज इक्वल टू पी बी होगा, तो क्यू बी ये तो सही है और यहाँ पे क्या होगा पी बी, ये ओ को काट के हम यहाँ पे बी कर लेंगे, बी कर लेंगे, ओ को काट देंगे यहाँ पे और पी बी कर लेंगे क्योंकि ये और ये साइड इक्वल था। तो यहां से जब ये स्क्वायर प्रूफ हो गया स्क्वायर, तो स्क्वायर का तो चारों साइड इक्वल होता है, तो हम इस साइड को इसका बराबर दिखा सकते हैं, इसको इसका, ये चारों को इक्वल दिखा सकते हैं। और यहां से हमने क्या निकाला था क्यूबी का वैल्यू, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमने क्यूबी का वैल्यू निकाला था 11 सेंटीमीटर। तो जब ये क्यूबी क्या है 11 सेंटीमीटर, तो ये वाला क्या होगा ओपी, ये भी 11 सेंटीमीटर होगा और बाकी सारा साइड 11 सेंटीमीटर होगा। तो हमें पूछा जा रहा था रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये क्या है ये ओपी क्या है रेडियस है सर्कल का, तो यहां से आगे 11 सेंटीमीटर क्या रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस ऑफ द सर्कल 11 सेंटीमीटर आ गया। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।